मैंने और सूरज ने साथ में बात टब में किया प्यारा सा शूट। सूरज ने पुशअप लगाना चालू कर दिया है क्योंकि मैं और सूरज करने वाले हैं एक कपल शूट और उसके लिए मैं इस वक्त रेडी हो रही हूँ मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी पता नहीं ये टॉप मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था नीचे जो स्का्फ मैंने एक स्कर्ट की तरह डाला हुआ था वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया इस टॉप में एंड इस टॉप को पहनने के बाद अब मेरा जो मेजर uh, चीजें बची थी वो थी हेयर स्टाइल जो अगेन बनकर एकदम रेडी हो गई थी अंडर फाइव मिनट बहुत ही ज्यादा ईजी था मेरे लिए इसको करना एंड उसके बाद मैं बस अपनी ज्वेलरी डिसाइड करी थी और मैंने आखिर में ये ज्वेलरी भी चेंज करके छोटा सा कुछ कानों में पहना एंड ये है मेरा पूरा लुक ये टॉप एकदम बैकलेस है इसमें पूरी बाली वाइब्स है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके नीचे शॉर्ट्स भी थे बट वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट थे तो मैंने इसके लिए नहीं पहना और अब हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा रहे हैं उस लोकेशन पर जहां पर जहां मैं तो कहती हर एक कपल को आना ही चाहिए क्योंकि ये इतनी ज्यादा सुंदर जगह है हालांकि बारिश होने वाली थी एंड यहाँ पर थोड़ी ठंड थी लेकिन ये जो फूलों से भरा हुआ सुंदर सी रोमांटिक सेटिंग थी ना अगर इसमें आपने एक फोटो नहीं ली तो आपका बाली का ट्रिप ही अधूरा है मैं तो ये कहती हूँ मैंने और सूरज ने सच में इस पानी में इतना इंजॉय किया मस्त यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने व्यू एंजॉय किया बहुत सारी बातें की बहुत ही प्यार से सूरज मेरे को लेके गया एंड पूरा व्यू उसने मेरे को लेकर जबकि से डर रही थी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ लेकिन एक बार पानी के अंदर बैठने के बाद आपको सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो सब कुछ बहुत क्लीन रहता है दूसरा यहाँ का व्यू इतना सुंदर है आप बस उसी के अंदर खो जाते हो एंड आई एम टेलिंग यू यहाँ पे इतनी ज्यादा प्यारी पिक्चर्स आती है ना कि अगर आपकी पिक्चर्स कोई देखेगा तो वो यही कहेगा कि भाई तुम स्वर्ग से होके आ रहे हो क्या, क्या? क्योंकि ये इतना अच्छा हो गया था मतलब जुलाई इज द बेस्ट टाइम टू गो टू बाली एंड वहां भी जाकर आपको ऐसी पिक्चर्स तो क्लिक करानी ही चाहिए देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि अरे तो बहुत सुंदर है इसके बाद का स्ट्रगल भी मैं जरा आपको बता देती हूँ भाई

Projector के साथ जी हाँ यहाँ पर यह भी अवेलेबल है बहुत ही मजे किए बाद में हम लोगों ने करते हो, मुझे क्योंकि हम लोगों को, को और लोकेशन पे जाना था एंड उसके बीच में हमने किया हमारा डिनर जो था इस बहुत ही सुंदर से कैफे में जो एकदम समुद्र के पास था वैसे एक चीज तो है आप इंडिया से बाहर जाओगे तो खाने की प्रॉब्लम तो आपको बहुत आई अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो तो आप खाना ऑर्डर करते वक्त बहुत ही अच्छे से बोलना नो एग नो चिकन नो पोक नो नथिंग क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज्यादा इस चीज़ के आदत में रहते हैं कि इन लोगों को अपने खाने में मतलब नॉनवेज डालना ही डालना है तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप स्पेसिफिक रहो एंड हमने तो यहां पर ना बहुत ही सेफ रहने के लिए ऐसी चीजें मंगवाई जैसे हमने पिज्जा मंगवाया विथ ओनली चीज़ कोई और सॉस नहीं और साथ में फ्रेंच फ्राई